वेलकम एवरीवन। आज का वीडियो हम लोगों का टेक्निकल इंडिकेटर सीरीज का पहला वीडियो है, जहां पे हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर को लेकर डिस्कस करेंगे। इस इंडिकेटर का स्ट्रक्चर एंड इसको कैसे प्रॉफिटेबली यूज़ करना है, आज के वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने चार्ट में सिर्फ और सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। प्राइस एक्शन के साथ सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना मार्केट में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे एंड उसके बाद इस इंडिकेटर का डिफरेंट यूजेस डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ऐसे ही और भी इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। सिंपल मूविंग एवरेज बेसिकली जितना भी पीरियड आप कंसीडर कर रहे हो उसका क्लोजिंग प्राइसेस का एक एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, हम लोग ICICI बैंक के चार्ट में 5 सिंपल मूविंग एवरेज को इंसर्ट करते हैं, तो ICICI बैंक के चार्ट में लास्ट जो 5 कैंडल फॉर्म हुआ है वो सबका क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज है सिंपल मूविंग एवरेज। सपोज लास्ट 5 कैंडल का क्लोजिंग प्राइसेस है 920, 923, 922, 927 एंड 930, तो 5 सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला होगा 920 प्लस 923 प्लस 922 प्लस 927 प्लस 930 डिवाइडेड बाई 5, जो कि होता है 924.4। अगर हम लोग 9 मूविंग एवरेज इंसर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा मार्केट में जो लेटेस्ट 9 कैंडल्स फॉर्म हुआ है वो सबका क्लोजिंग प्राइसेस का समेशन डिवाइडेड बाई 9। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक में लास्ट जो 9 कैंडल्स फॉर्म हुआ है वो सबका क्लोजिंग प्राइसेस ये रहा, तो 9 सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला होगा ये। जब भी मार्केट में कोई नया कैंडल फॉर्म होता है तो वो फॉर्मूला में लास्ट कैंडल को रिप्लेस कर देता है। अभी हम लोग फिर से 5 सिंपल मूविंग एवरेज का जो कैलकुलेशन है उसमें वापस आते हैं। सपोज नया एक कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में जिसका क्लोजिंग प्राइस है 943, तो ये 943 ऑटोमेटिकली 5 सिंपल मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन में आ जाएगा एंड जो लास्ट प्राइस था 920 वो रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कि अभी मूविंग एवरेज का वैल्यू होगा 929। इसका मतलब है ICICI बैंक में 5 सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, ऐसे ही चलते रहता है एंड जब भी मार्केट में कोई नया कैंडल फॉर्म होता है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन में आ जाता है एंड सबसे पहला जो कैंडल है उसका वैल्यू कैलकुलेशन से निकल जाता है एंड हर कैंडल फॉर्म होने के साथ साथ मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर चार्ट में प्लॉट होते रहता है। हर नए कैंडल फॉर्म होने के साथ साथ एवरेज प्राइस चेंज होता रहता है, इसीलिए इस इंडिकेटर को मूविंग एवरेज बोला जाता है। मूविंग एवरेज का मेनली दो टाइप ऑफ यूजेस है, फर्स्ट है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड सेकेंड है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है एंड अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो डाउन ट्रेंड में है एंड अगर प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है जैसे कि अभी स्क्रीन में दिख रहा है तो तभी मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है। ये है USD/JPY फोरेक्स पेयर का 1 आवर चार्ट, जहाँ पे हम लोग 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज को ऐड करके रखे। प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बनाते जा रहा है एंड प्राइस सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, मतलब कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में है। अभी जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं वो है डाउ जोन्स का चार्ट, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे नीचे चल रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। कौन सा पीरियड का मूविंग एवरेज कब यूज़ करना है वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। लास्ट जो टाइप का ट्रेंड है वो है साइडवेज ट्रेंड। इस वाले ट्रेंड में प्राइस बेसिकली एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन के अंदर ही मूव करता है। आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में एक साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है। ये सिचुएशन में मार्केट में ट्रेड ना करना ही बेटर होता है एंड हम लोगों को वेट करना चाहिए जब तक कि ना प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी एक को ब्रेक करे, जैसे कि इधर दिख रहा है कि प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश करता है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ मूविंग एवरेज को एज डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज़ किया जा सकता है। मूविंग एवरेज मतलब उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का एवरेज प्राइस एंड कोई भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस जब उसका एवरेज प्राइस के आसपास आता है उधर स्मार्ट मनी यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का एक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है। किसी स्टॉक या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अगर खरीदना होता है तो इंस्टीट्यूशन हमेशा कोशिश करते हैं कि बेस्ट एंड सबसे चीप प्राइस में उसको खरीदे एंड मूविंग एवरेज उन लोगों को एक एवरेज प्राइस शो करता है जिस प्राइस में वो लोग खरीदने या फिर बेचने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 आवर चार्ट। प्राइस यहाँ पे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, फिर यहाँ पे रिट्रेस करके प्राइस को प्रॉपर रेजिस्टेंस मिला है,
फिर से प्राइस नीचे गिरता है एंड फिर ऊपर आता है एंड फिर से यहाँ पे मूविंग एवरेज एज ए परफेक्ट रेजिस्टेंस काम करता है। थोड़ा आगे चलते हैं एंड देखते हैं, यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेक करता है, पुल बैक लेता है, सपोर्ट मिलता है प्राइस को एंड प्राइस फिर से ऊपर जाता है। प्राइस फिर से मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है एंड उसके बाद मूविंग एवरेज एज रेजिस्टेंस काम करता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहाँ पे मूविंग एवरेज परफेक्टली एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम किया है। तो अगर आप अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन के साथ मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। मूविंग एवरेज को यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। अगर आप स्मॉल नंबर्स ऑफ कैंडल्स को कंसीडर करते हैं मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, तो इंडिकेटर रीसेंट प्राइस एक्शन में ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, सो आपको रीसेंट प्राइस मूवमेंट का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है। लेकिन स्मॉल नंबर्स ऑफ पीरियड को यूज़ करने से आपको फॉल्स सिग्नल ज़्यादा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लॉन्गर पीरियड को कंसीडर करते हैं मूविंग एवरेज के लिए, तो उधर आपको फॉल्स सिग्नल बहुत कम मिलेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज कैलकुलेशन में आप एक लॉन्गर पीरियड के प्राइस एक्शन में फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेज स्पेसिफिकली मार्केट का रीसेंट प्राइस एक्शन में ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। सो बेसिकली स्मॉल पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग सिग्नल देगा, लेकिन उसमें फॉल्स सिग्नल्स भी बहुत रहेगा। एंड लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेज आपको ट्रेड सिग्नल तो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं देगा, लेकिन जो जो सिग्नल आपको मिलेगा उसमें फॉल्स सिग्नल होने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब ट्रेडर्स 5 मिनट्स के चार्ट पे स्कैल्पिंग करते हैं तो वो स्मॉल पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं एंड जनरली स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे लॉन्गर पीरियड को यूज़ करते हैं। हर एक ट्रेडर का साइकोलॉजी एंड थिंकिंग अलग अलग होता है, तो कोई भी ऐसा फिक्स्ड मूविंग एवरेज सेटअप नहीं है जिसको बेस्ट बोला जा सकता है। कौन सा पीरियड लेना है वो हम लोगों के लिए डिपेंड करता है कि किस काम के लिए मुझे मूविंग एवरेज चाहिए। अगर सिर्फ ट्रेंड क्या है ये जानना होता है तो मैं ऑलमोस्ट 100% टाइम यूज़ करता हूँ 200 पीरियड, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड ये बहुत ही अच्छा काम करता है। 200 मूविंग एवरेज एक बहुत ही अच्छा डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से भी काम करता है। इसके अलावा कभी कभी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेंड देखने के लिए आप लोग 50 या फिर 100 मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्गर पीरियड यूज़ करने से आपको मार्केट का रियल ट्रेंड पता चलेगा। मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर्स होल नंबर पीरियड को यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज में एंड इसीलिए ये सब मूविंग एवरेजेस में प्राइस को अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि आप जितना ज़्यादा पीरियड को कंसीडर करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अगर बहुत ज़्यादा पीरियड ले लेते हो तो आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिलते मिलते बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपका मिस हो जाएगा, तो मैक्सिमम आप लोग 200 पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर चार्ट में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ट्रेंड देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 50 एंड 200 दोनों को यूज़ करिए। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप 20 या फिर 21 मूविंग एवरेज के यूज़ करिए 200 मूविंग एवरेज के साथ। इन दैट केस आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड का पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्कैल्पिंग करेंगे लेकिन ज़्यादा रिस्की सेटअप्स आपको नहीं चाहिए, तो आप 20 या फिर 21 यूज़ ना करके लॉन्गर पीरियड यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में मूविंग एवरेज का हज़ारों सेटअप्स मिल जाएगा, लेकिन उसमें से हम लोग कुछ कुछ शॉर्टलिस्टेड करके आप लोगों को बता रहे हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने से पहले बैक टेस्ट करके ज़रूर देखिए आपको कौन सा सूट कर रहा है। तो ये एक मूविंग एवरेज का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अपकमिंग डेज में हम लोग मूविंग एवरेज का डिफरेंट सेटअप्स एंड स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।